188,000 बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें ताकि आप हर रोज बिजनेस के नए नए वीडियो देख सकें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस और उद्योग की चैनल का। मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है, वही से आप बहुत ही आसानी से खरीद सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आलू के चिप्स का बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। दोस्तों, आलू के वेफर की बनाने के लिए, इस बिजनेस के लिए आपको 3 मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आलू का छिलका निकालने के लिए, और आलू के चिप्स बनाने के लिए, और आप आलू को ड्राई करने के लिए और फ्राई करने के बाद उसमें से तेल निकालने के लिए आपको 3 मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको आलू के छिलके निकालने पड़ते हैं। दक्षेक भाई, हमें बताएं कि ये मशीन हम यूज़ करके आलू का छिलका हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक साथ में आपको 10 से 12 किलो आलू डाल देना है, और यहाँ से आपको पानी का कनेक्शन दे देना है, और जो भी उसका डस्ट होगा वो सब यहाँ से पाइप के थ्रू से सब बाहर निकल जाएगा, और आपको 2 से 3 मिनट लगेगा आलू छिलका निकालने में। वो आपको छिलका और आलू जो है वो छिलका निकल के सब आपको यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा। आपको ये उसका ढक्कन है दोस्तों, इस मशीन से हम 3 मिनट में हम 10 किलो आलू के छिलके निकाल सकते हैं। और दोस्तों, हम आलू के छिलका निकालने के बाद अब हम उसकी चिप्स बनाएंगे, तो वो भी मशीन हम देखेंगे कि आलू के हम कैसे चिप्स बना सकते हैं। दक्षेश भाई, आलू के छिलका निकालने के बाद हम इस मशीन से आलू के चिप्स कैसे बना सकते हैं, और किस तरह के कौन कौन से चिप्स बना सकते हैं? इसमें आपको 3 तरह के आप चिप्स बना सकते हैं। एक प्लेन वेफर होता है, एक सलाई होती है, और एक लाइनिंग वाली होती है जिसको रफल्स कहा जाता है। जो बालाजी की वेफर्स आती है डिज़ाइन वाली, लाइनिंग वाली, वो रफल्स कहा जाता है। वो 3 तरह के आप इसके अंदर कर सकते हैं, और आगे जो है उनकी डाई अलग अलग, इस तरह की आप डाई डालोगे उस तरह का आपको इसमें कटिंग होगा। आपको यहाँ पे 1 by 1 आलू डालते जाना है। ये पर आवर आपको घंटे में 150 से 200 किलो आपको कटिंग कर देगा। दोस्तों, आपको जिस तरह की आलू की चिप्स बनानी हो उसी तरह की डाई आपको इसमें डालना पड़ता है, और 1 by 1 इसमें आलू डालोगे तो आपको चिप्स उसी तरह से चिप आपको मिल जाएगी। और घंटे का कितना? 150 से 200 किलो। दक्षेश भाई, हम इस मशीन का कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये जो है वो ड्रायर मशीन है, जो आप वेफर कटिंग करोगे, कटिंग करने के बाद उसको धोया जाता है, धोने के बाद आपको इसके अंदर डालना है, तो उसके अंदर जो भी पानी ज़्यादा रहेगा वो पूरा ड्राई हो जाएगा। ये एक तरह का ड्रायर मशीन है, ये जो ज़्यादा सर पानी रहता है वो निकाल देता है। खाली निकालने के बाद आप उसको फ्राई कर सकते हैं वेफर को। दोस्तों, इसके बाद कि वेफर को फ्राई करना होता है, तो दोस्तों इस मशीन को आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। आप जो भी तरह से चाहे उसी तरह से आप खरीद सकते हो। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, आप लंबा चौड़ा भी आप फ्राई करने का मशीन खरीद सकते हो, या तो गोलाकार का भी मशीन आप खरीद सकते हो। आपको जो भी मर्जी हो उस तरह से आप खरीद सकते हो। इस तरह से आप आलू की चिप्स को फ्राई कर सकते हो। दोस्तों, आपकी आलू की चिप्स फ्राई होने के बाद उसमें ज्यादातर तेल बहुत रहता है, तो आप इस मशीन से आलू की चिप्स में से बहुत ही आसानी से तेल निकाल सकते हो। दोस्तों, ज्यादा सर जो नमकीन रहता है उसमें जो तेल रहता है, तो तेल भी आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। अच्छा, तेल निकालने के लिए भी काम आता है? तेल निकालने के लिए भी काम में आता है। ओके, आपकी आलू फ्राई होने के बाद इसमें आप अपने मन चाहे फ्लेवर डाल सकते हो, जैसा कि तीखा, मीठा, खट्टा, रेड चिल्ली, टमाटर चिल्ली, जो भी तरह के चाहे आप उसी तरह से उसमें फ्लेवर डालकर अपनी चिप्स कुरकुरी बना सकते हो। इसके लिए आपको एक और मिक्सर मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो अपने आलू के चिप्स को और मसाला को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर सके। आप अभी इस वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों, आप इस मशीन से बहुत ही आसानी से अपनी आलू
वेफर को अपने मनचाहे फ्लेवर के मसाले में आप मिक्स कर सकते हो। दोस्तों आपकी आलू की वेफर तैयार हो गई। आप उसको अपने हिसाब से पैकिंग करोगे। अलग से पैकिंग की मशीन की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैनुअल की मशीन में भी आप पैक कर सकते हो, या तो आप ऑटो के मशीन में भी आप पैक कर सकते हो। दोस्तों अब आपकी आलू की वेफर बाजार में बिकने के लिए तैयार हो गई। दक्षेश भाई, हमारे कस्टमर ने ये मशीन आपसे खरीदा, तो आप उसको किस तरह की सर्विस दे सकते हो? सर्विस में तो ऐसा है कि जो कस्टमर हमारे वहाँ से ले जाता है तो उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सब समझा देते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आए तो जो भी है हम यहाँ पे उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बाकी सर्विस में जो भी चीज़ आएगी वो हम उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। इसमें सर्विस मेंटेनेंस में ऐसा कुछ है नहीं। जो आलू छिलका निकालने का जो मशीन है उसके अंदर जो भी आपको एक दो साल तक जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो हम साथ में प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा जो कटिंग वेफर का मशीन है उसमें आपको खाली ब्लेड का मेंटेन आएगा, बाकी दूसरा कोई मेंटेनेंस आता नहीं है। और रहा ड्रायर का, तो ड्रायर में भी ऐसा कोई मेंटेनेंस वाली चीज़ है नहीं। अगर संभाल के रखोगे तो कोई जीरो मेंटेनेंस मशीनरी है ये। ये जो आलू छिलका निकालने का मशीन है उसके अंदर हम हैमरी जो अंदर रहती है वो साथ में प्रोवाइड करते हैं। और रहा जो आलू वेफर करने का मशीन जो है वो भी आपसे कोई एक्सीडेंटली प्रॉब्लम हुआ, टूट गया, तो आपको हमारे पास से उसको परचेस करना पड़ेगा। ये ड्रायर में कोई ऐसी चीज मेंटेन वाली नहीं है। वो ज्यादा सर इसका जो ड्रम रहता है वो आपको मेंटेन करता है, तो उसका जो जाली है वो आपको एक दो साल के बाद चेंज करना रहता है। अच्छा दोस्तों, इसमें कोई मेंटेनेंस खास नहीं है। जब आप इस मशीन को परचेस करोगे तब उसका मेंटेनेंस और सर्विसिंग आपको सिखा दी जाएगी। दक्षेश भाई, इसमें इलेक्ट्रिक का बिल कितना होता है? ये आप तीनों मशीन अगर एक साथ में आप ऑपरेट करोगे तो कम से कम ये 5 से 6 यूनिट आपको पावर कंजप्शन आएगा घंटे का, एक घंटे में। और अभी ज़्यादा सर जो है वो अभी सीज़न है गर्मियों का, तो ज़्यादा सर सब घर में कच्ची वेफर बनाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अपना छिलका निकालने का मशीन है और ये कटिंग का मशीन है, वो दोनों मशीन ज़्यादा यूज़फुल है। जिसको छोटा बड़ा बिजनेस करना है तो ये दो मशीन से वो आराम से कर सकते हैं। घंटे में 150 से 200 किलो प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। दक्षेश भाई, हम इस बिजनेस में कितने पैसों की कमाई कर सकते हैं? ये जो अभी सीज़न जो चल रही है आलू की, तो ये कोई लोग क्या है कच्चा आलू का जो वेफर कटिंग करके जो करते हैं तो मैक्सिमम सबका अलग अलग रेट रहता है। किसी का पर केजी 5 रुपीज़ से लेके 10 रुपीज़ तक का रेट, इसमें सब अलग अलग एरिया के हिसाब से वो प्रोवाइड करते हैं। वो घंटे में आपको 200 किलो तो आराम से आपको निकाल देगा, तो वो पर केजी का ये लोग 5 से 10 रुपये का रेशियो रहता है कटिंग करने का, जॉब वर्क का। जो जिसको छोटा बड़ा बिजनेस करना है तो वो आराम से इसमें पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, हमने एक अंदाजा लगाया गया है कि आप 1 किलो के आलू के वेफर में से आप 30 से लेकर 100-150 रुपए तक बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हो। दोस्तों, जिसमें आलू के वेफर के छिलके से लेकर आपको आलू के वेफर तैयार हो जाने के बाद उसको पैकिंग करने तक की खर्च, आपके कोई भी रखे हुए बंदा तो उसके तनख्वाह के खर्च, वो सब निकाल कर आप 1 किलो में से 30 रुपये से लेकर 100-150 रुपये तक आप कमा सकते हो। तो दिन में आप 200 किलो आप आलू की वेफर बना सकते हो, तो दिन में आप 6,000 रुपये की कमाई कर सकते हो। और आप महीने तक उसी तरह से आप काम कर सकते हो तो 1,88,000 बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हो। दोस्तों, ये हमने एक अंदाजा लगाया गया है, आप काम किस तरह करते हो और आलू की वेफर की प्रोडक्ट आप किस तरह बेच सकते हो, इस तरह से आप अपनी कमाई कर सकते हो। दक्षेश भाई, हम इस मशीन को खरीदना हो तो इसकी प्राइस क्या है, तीनों की प्राइस कितनी हो सकती है? ये आप मेरे पास 70,000 से लेके 1.5 लाख तक की प्राइस का मशीनरी है, सब अलग अलग कैटेगरीज में है। 70,000 से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको 70,000 से लेकर 1-2 लाख तक की आप ये मशीनरी हो सकती है। और ये मशीन परचेस करके आप अपना आलू चिप्स बनाने का बिजनेस आप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप आलू चिप्स बनाने का मशीन आप खरीदना चाहते हो तो हमने इस कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, पता इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस कंपनी को मिल सकते हो और अपने आलू चिप्स बनाने का बिजनेस शुरू आप कर सकते हो। हमारा एक ही मकसद है,
कि कोई भी बिजनेस की सच्ची ही जानकारी आपको देना। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हो, इस पेज को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।